एक मदरबोर्ड को आपको रिपेयर करना आता है एग्जैक्टली क्यों, क्योंकि अभी तो हमें जब तक ट्रेनिंग नहीं लिया हमें ये पता नहीं है कि इस मदरबोर्ड में हमें करना क्या है, हमारा सेफ मेथड क्या है। थ्योरी पैटर्न में क्या होता है कि थ्योरी पैटर्न में ये पता चलता है हमें कि कौन सा लाइन किस चीज़ का है, क्या वर्क करता है, डायग्राम कैसे रीड करते हैं, अगर कोई फॉल्ट आया कहीं पर प्रॉब्लम हमें आया तो उसको फाइंड कैसे करेंगे। देखिए समीर भाई, मैं आपको बताऊँ मेरा जो सिलेबस है आईफोन प्लस एंड्रॉयड दोनों है और दोनों का ही मैं दोनों लेवल तक कराता हूँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे आते हैं जो लोगों का काम मतलब हाथ चल रहा होता है okay. तो वो थोड़ा सा सीपीयू पर भी प्रैक्टिस कराते हैं उनसे ताकि सीपीयू उनका कवर हो पाए, और जो लोग जिनका हाथ अच्छा नहीं होता सीपीयू तक नहीं पहुंच पाते तो हम उनको एटलीस्ट इतना सिखाते हैं कि भाई आप रिपेयरिंग कर लो, आपके टेबल से काम वापस नहीं जाना चाहिए बिकॉज okay. आपके पास में सीपीयू होने के लिए महीने में 2 फोन आएंगे, रिपेयर होने के लिए 50 फोन आएंगे, 100 फोन आएंगे, तो आपका रिपेयरिंग होना चाहिए और रिपेयरिंग के साथ साथ हम उनको सीपीयू की गाइड करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है समीर और आप देख रहे हैं न्यू गैजेट नगरी। तो आज जैसे मैं आपको लेकर आया हूँ फिर दोबारा नेहरू प्लेस, जैसे मैं आपको देखते हैं कि हर महीने कोशिश करता हूँ मैं आपको कुछ ना कुछ नया दिखाने के लिए या नया समझाने के लिए। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है, आपके मेरे पास कमेंट आ रहे थे सर आईफोन रिपेयरिंग एंड एंड्रॉयड रिपेयरिंग, इसको लेकर काफी सारे भाइयों के कमेंट आ रहे थे क्या दोनों पॉसिबल एक साथ हो सकती हैं, कि अगर हम फ्रेशर हैं तो क्या वो हम सीख सकते हैं, या अगर हमें एक्सपीरियंस है 3-4 साल से अगर हम इस लाइन में हैं तो क्या हम वो रिपेयरिंग सीख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के छोटी छोटी चीज़ों को मैं इकट्ठा करके आज नसीम सर के पास आया हूँ। ये ट्रेनिंग कितने टाइम की रहती है, कितने रुपये का ये कोर्स रहने वाला होता है और इसके साथ बैकअप सपोर्ट क्या होती है, और जो फ्रेशर हैं उनके जो छोटे छोटे डाउट होते हैं वो भी काफ़ी सारे होते हैं। तो सर एक चीज़ बताइए, आपको हमारे चैनल पर हर बार की तरह फिर से एक बार स्वागत है। आप ये बताइए कि जो फ्रेशर मेरे भाई मुझे कमेंट करते हैं कि सर क्या मैं आईफोन रिपेयरिंग या एंड्रॉयड रिपेयरिंग सीख सकता हूँ या मैं दोनों एक साथ सीख सकता हूँ, तो उनके बारे में बताइए सर थोड़ा। जी समीर भाई, बहुत अच्छा सवाल है आपका और बिल्कुल आपने जो सवाल किया बहुत अच्छा सवाल किया है, मैं आपको उसका जवाब देता हूँ सारा। समीर भाई देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि एंड्रॉयड ट्रेनिंग और आईफोन ट्रेनिंग एक्चुअल में है क्या और उसको कौन लोग ले सकते हैं, कौन लोग सीख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ आईफोन ट्रेनिंग या एंड्रॉयड ट्रेनिंग के नाम पर कहीं पर भी जा रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि कहीं पर भी हम गए तो हम एकदम 0 to 0 हो गए या फिर हमें एकदम से काम आ गया। अब कौन लोग जा सकते हैं, कौन लोग नहीं जा सकते हैं, कैसे लोग ट्रेनिंग ले सकते हैं, कैसे नहीं ले सकते, क्योंकि हर इंसान जब जाता है ट्रेनिंग लेने के लिए तो वो ये सोच कर जाता है कि भाई हम इंस्टीट्यूट गए, किसी भी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद में हमें कोई ऐसा एकदम से एक्सपीरियंस हो जाएगा कि हम एकदम फ़ौरन अच्छे टेक्नीशियन बन जाएंगे या फिर अच्छा रिपेयरिंग का काम करने लगेंगे। तो देखिए समीर भाई, दो तरह के लोग होते हैं, दो तरह के लोग कैसे होते हैं, एक तो ये कि प्रेशर है, बिल्कुल मैं मोबाइल का काम नहीं करता हूँ और मोबाइल का काम करने के लिए मैं किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करता हूँ कि मैं सीख जाऊँगा, सीखने के बाद में मैं काम कर पाऊँगा। तो उन लोगों के लिए मैं स्पेशली बता दूँ कि वो लोग अगर किसी भी ट्रेनिंग सेंटर में जाते हैं तो उनको पहले बेसिक ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। आपको एडवांस लेवल की ट्रेनिंग लोगे तो आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। वेस्ट क्यों होगा, वेस्ट होने की वजह है क्योंकि आप एक ट्रेनिंग लेते हो, कहीं पर भी देखो कोई फीस है, मैं फीस के रिगार्डिंग बात नहीं कर रहा, मेरा फीस 40,000 है, 40,000 एंड्रॉयड प्लस आईफोन दोनों का मेरा 40,000 फीस है। आप कहीं पर भी 40,000 फीस देते हो या 50,000 फीस देते हो या 30,000 देते हो, एनी कोई भी फीस देते हो आप, तो आपका टोटल पैसा वेस्ट है। रीज़न, क्योंकि आपने ट्रेनिंग तो ले लिया जी, ट्रेनिंग लेने के बाद में आपको पता है कि आपने ट्रेनिंग 40,000 में ले, लेकिन आपको जो बेसिक टूल लगेगा, जो टूल खरीदना है, वो टूल तकरीबन 1,00,000 रुपये का आएगा, क्योंकि ट्रेनिंग सस्ता है टूल महंगा है। आपने ट्रेनिंग ले लिया, टूल नहीं ले पाए, आप 2-3 महीने इधर उधर घूमे कि मैं शॉप खोलता हूँ या फिर मैं अपना टूल खरीदता हूँ या किसी शॉप पर कोशिश करता हूँ मैं काम करने की, तो वहाँ पर आपका 3 महीने का गैप हुआ, 2 महीने का गैप हुआ, आप टोटल ब्लैंक हो चुके हैं, आप 0 हो चुके हैं। आपके पास टूल खरीदने का पैसा नहीं था, आपने ट्रेनिंग तो ले लिया, आप कर नहीं पाए, तो आप ब्लैंक हो गए, 0 हो गए, आपका ट्रेनिंग वेस्ट। कहीं से भी कोई भी इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेते हो आप, मैं अपनी बात नहीं करता कोई भी, क्योंकि समीर भाई बहुत देखा है मैंने ऐसा चल रहा है, लोग ट्रेनिंग ले लिया, ट्रेनिंग लेने के बाद प्रैक्टिस नहीं किया तो 3 महीने बाद 2 महीने बाद में दोबारा से काम करेंगे, टोटली ब्लैंक हो जाएंगे, उनको कुछ नहीं पता होगा कहाँ से क्या करना क्या नहीं करना, क्योंकि एक तो वो वैसे ही प्रेशर थे और ऊपर से 3 महीने का गैप हो गया तो माइंड धीरे धीरे ब्लैंक होता चला गया, 3 महीने में ख़त्म। एक तरह के लोग तो ये होते हैं। दूसरी तरह का जो स्टूडेंट होता है वो ये है कि कोई भी छोटा काम करता है, कि जैसे ग्लास का काम कर रहे हैं, चार्जिंग जैक वगैरह कर लेते हैं, मोबाइल की शॉप है ऑलरेडी, पहले से हमारा काम चल रहा है ओके। तो कोई भी अपना छोटा मोटा मोबाइल का काम करते हैं तो वो लोग ट्रेनिंग ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों के पास में ऑलरेडी काम है तो उनका ट्रेनिंग लेना सक्सेस है, 100% सक्सेस है। अभी वो किसी भी एकेडमी में, मैं अपनी बात नहीं करता, कहीं पर भी आप ज्वाइन करते हो, किसी भी एकेडमी में ज्वाइन करते हो, किसी भी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करते हो, फीस मैटर नहीं करता कोई ज़्यादा ले रहा कम ले रहा, वो सबका अपना अपना अलग अलग पैटर्न है, तो वो सब अपना अपना देखते हैं। बाकी अगर आप ट्रेनिंग लेने जाते हो और कहीं पर भी ट्रेनिंग लेते हो तो आपको ये होता है कि आपने ट्रेनिंग लिया तो एक मदरबोर्ड को आपको रिपेयर करना आता है एग्जैक्टली
क्यों? क्योंकि अभी तो हमें जब तक ट्रेनिंग नहीं लिया हमें ये पता नहीं है कि इस मदरबोर्ड में हमें करना क्या है, हमारा सेफ मेथड क्या है, मैंने हीट मारा तो मुझे कितना हीट चाहिए, ये ब्लोअर को कैसे यूज़ करते हैं, आयरन को कैसे यूज़ करते हैं, माइक्रोस्कोप में देखकर काम कैसे किया जाता है, क्योंकि डायरेक्ट आंखों से देख के काम करना और माइक्रोस्कोप में देखकर काम करना बहुत डिफरेंट है, ठीक है। तो ये सब चीज़ का एक्सपीरियंस होता है। अभी मदरबोर्ड पर कितना हीट मारना है तो मदरबोर्ड ख़राब नहीं होगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा, हीट का रिफ्लेक्शन किधर नहीं जाता, कितनी हीट पर नहीं जाता, आईसी को कैसे पिक करना है, कितने टाइमिंग उसका पिक करने का होता है, कितना टाइमिंग इंस्टॉलेशन का होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें हमारा यूज़ करने के लिए, मतलब ये सब चीज़ें हमें सीखने को मिलता है। उसके बाद हमारा थ्योरी पैटर्न आता है। थ्योरी पैटर्न में क्या होता है कि थ्योरी पैटर्न में ये पता चलता है हमें कि कौन सा लाइन किस चीज़ का है, क्या वर्क करता है, डायग्राम कैसे रीड करते हैं, अगर कोई फॉल्ट आया कहीं पर प्रॉब्लम हमें आया तो उसको फाइंड कैसे करेंगे, GR वैल्यू क्या होता है, वोल्टेजेस क्या होता है, कितना वोल्टेजेस कहाँ पर आता है, GR कैसे चेक करते हैं, मीटर कैसे यूज़ करते हैं, मीटर से वोल्टेजेस कैसे चेक करेंगे, GR वैल्यू हम कहाँ पर कितना आना चाहिए, हमारा डायग्राम बताएगा तो कैसे बताएगा, ये सब चीज़ हमें सीखने को मिलता है। बिल्कुल। उसके बाद जब हम इसको अपना सीख जाते हैं, काम करते हैं, उसके बाद इसके अंदर आपका परफेक्शन समीर भाई हमेशा आपके एक्सपीरियंस के बाद आएगा। आप जब अपनी टेबल पे काम करना शुरू करेंगे तो आपके पास में फॉल्ट आने शुरू होंगे, तब आपको ये पता होगा कि मुझे GR कैसे चेक करना है, वोल्टेजेस कैसे चेक करना है, लाइंस कौन सी होती हैं, कौन सी लाइन क्या काम करती है, और आपको DC जो हमारा DC होता है, DC क्या काम करता है, DC से कैसे चेक करते हैं, कितना रीडिंग आएगा तो क्या प्रॉब्लम होगा, ये सब चीज़ हमें चेक करना आएगा। तो हमें पहले कम से कम जब हम सीख जाएंगे ये सब चीज़ें तो हमारे पास फ़ोन आएगा तो हम उसको चेक कर पाएंगे कि भाई प्रॉब्लम क्या है। अब हमारा करेक्ट वे होगा, क्योंकि हमारे पास प्रॉब्लम आया, हमने कहीं ट्रेनिंग लिया तो हमें ये पता है ना कि हमें करना क्या है, अदरवाइज़ हमें तो सिर्फ ब्लोअर, अगर हम जीरो है तो हमें तो ब्लोअर उठाया, भाई हीट मार के IC निकाल देना, IC क्यों निकाल रहे हैं, IC निकालने से पहले उसका रीज़न पता होना चाहिए ना कि IC क्यों निकाल रहे हैं, और IC का काम क्या है, इस IC का वर्क क्या है, ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो ये हमें किसी भी अकेडमी में जाके, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके सीखने को मिलता है दूसरे तरह के लोगों को। अभी आता है तीसरा लेवल, थर्ड लेवल क्या है, थर्ड लेवल वो है कि जिनको IC निकालना भी आता है, लगाना भी आता है, सब कुछ आता है, सारा काम कर लेते हैं, वोल्टेजेस पता है, अब उनको छोटा छोटा डाउट है, बहुत ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि जो पहले से काम कर रहा है उसने एक तो पहले से कहीं से सीखा है या फिर उसका एक्सपीरियंस है, उसके बाद फॉल्ट आए तो बना रहा है, रिपेयर कर रहा है। अभी कहाँ पर अटक रहा है कि भाई मेरे को दिक्कत आता है कि पर्टिकुलर कोई एक चीज़ है कि मैं वोल्टेज मेजर कैसे करूँ, मेरे को इस लाइन में प्रॉब्लम होता है, मेरे को कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता है कि CPU नहीं कर पाता, मैं बाकी सारा काम कर लेता हूँ, CPU नहीं कर पाता, तो वो लोग तो पहले से जो सिखाए होते हैं, जो ऑलरेडी चिप लेवल पर IC लेवल पर काम कर रहे होते हैं वही कर सकते हैं ना। आप फ्रेशर स्टूडेंट, CPU का काम या इतना बाद का काम उसको समझ में शुरू में नहीं आएगा। तो आप जब भी किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हो, मैं आपको बेसिकली ये बता रहा हूँ कि ट्रेनिंग ज्वाइन करने से पहले आप सोचें कि मैं क्यों जा रहा हूँ और क्यों नहीं जाना मेरे को, और जाकर मेरे को क्या हासिल होगा। तो जाकर किसी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कोई कैप्सूल, कोई इंजेक्शन, कोई ऐसा नहीं है कि आपको साइंटिस्ट बना दिया जाएगा कि आप साइंटिस्ट बन गए। आप साइंटिस्ट तो देखो, मैं अपने आप को भी नहीं बोलूँगा, मैं भी साइंटिस्ट नहीं हूँ, मैं भी बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ लगातार, मैं अपने स्टूडेंट से भी सीखता हूँ, अपने सीनियर से भी सीखता हूँ, अपने जूनियर से भी सीखता हूँ, हर इंसान से सीखता हूँ, क्योंकि मुझे सीखते रहना है तभी मैं इस काम को कर पाऊँगा, अदरवाइज जिस दिन सीखना छोड़ दूंगा मैं भी ब्लैंक होता चला जाऊँगा। तो ये चीज़ें हैं समीर भाई, ये पैटर्न चल रहा है मार्केट में जो चल रहा है, तो मैं उसी के बारे में थोड़ा सा बता रहा था कि कोई भी इंसान आएगा और आने के बाद में सीधा सोचे कि मैं एकदम 0 to 0 हो गया, नथिंग, आप बिल्कुल भी नहीं बन सकते 0 to 0। क्योंकि देखो, 0 और हीरो बहुत फ़र्क है ना, हीरो बनने के लिए आपको टाइम चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, 26 दिन का या 30 दिन का या 1.5 महीने का या 2 महीने का पर्टिकुलर टाइमिंग लिमिट जो होती है, इसके अंदर कोई भी हीरो नहीं बन सकता है, कोई भी अच्छा काम नहीं कर सकता है, वो धीरे 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 जैसे जैसे प्रैक्टिस करता रहेगा उसका हाथ क्लियर होता रहेगा, उसका हाथ अच्छा होता रहेगा, आपका काम फिनिश तरीके से होने लगेगा, उसके बाद में आपको नेक्स्ट लेवल की चीज़ें सामने आने लगेंगी कि ठीक है मैं IC वगैरह कर लेता हूँ, सब कुछ सही कर लेता हूँ, डायग्नोस कर लेता हूँ, ठीक है। जब आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए आपको सीखने की ज़रूरत पड़ती है, और मैं तो ये कहता हूँ कि उसके लिए भी कहीं इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत नहीं होती है समीर भाई। आप सोचो कि मैं यहाँ से नहीं सीखा तो फला इंस्टीट्यूट चला जाऊँगा या फला जगह चला जाऊँगा, जाकर मैं बहुत अच्छा टेक्नीशियन बन जाऊँगा, तो वहाँ पर भी आपको 2-3 चीज़ें ग्रैब करने को मिलेंगी। आप अगर अपना दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा कंसंट्रेशन लगाएंगे, तो आप खुद भी उस चीज़ को ग्रैब कर सकते हो, किसी भी चीज़ को जो बारीकियाँ हैं, क्योंकि आप सब कुछ पहले से ऑलरेडी आ रहा है, आपको सब कुछ कर रहे हो, पर्टिकुलर 2-3 फॉल्ट हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे। सपोज़ करो आपको CPU का पता है कि कैसे होता है, अब क्या हो रहा है कि CPU हो नहीं रहा, तो सिर्फ आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, अदर चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है कि आप मोर प्रैक्टिस करेंगे, खुद से भी आपका ही टेम्परेचर निकलेगा, खुद से भी आपका हैंड स्किल डेवलप होगा, कोई दूसरे पर्सन का, थर्ड पर्सन का ज़रूरत नहीं है आपको, आप खुद प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा अपने आप को
जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका काम हाथ साफ हो जाएगा। आप अपने इस ब्लोअर का नया टेम्परेचर हीट टेम्परेचर निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई बताया या किसी और टीचर ने बताया, कोई सभी आपके पास में ब्लोअर कोई सा भी है कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है कि इस ब्लोअर से मेरा हीट टेम्परेचर क्या होना चाहिए, ये पीसीबी का मेल्टिंग पॉइंट कहाँ पर बनता है, तो आपको ये पता होना चाहिए समीर भाई। बस जस्ट इतना सा मेरे को कहना था और मैं कुछ नहीं कहना चाहता ट्रेनिंग के बारे में उन लोगों के लिए जो स्पेशली ट्रेनिंग के लिए सोच रहे हैं। तो सर एक चीज़ बताएं, जैसे जो हमारे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी समझ में तो काफ़ी कुछ आया ही होगा। जी, आखिर कोई ये जो आपका सिलेबस होता है इसके अंदर आप क्या क्या कवर करा देते हैं? जी समीर भाई, देखिए समीर भाई मैं आपको बताऊं, मेरा जो सिलेबस है आईफोन प्लस एंड्रॉयड दोनों है और दोनों का ही मैं दोनों लेवल तक कराता हूँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे आते हैं जो लोगों का काम मतलब हाथ चल रहा होता है okay. तो वो थोड़ा सा सीपीयू पर भी प्रैक्टिस कराते हैं उनसे, ताकि सीपीयू उनका कवर हो पाए। और जो लोग जिनका हाथ अच्छा नहीं होता सीपीयू तक नहीं पहुंच पाते, तो हम उनको एटलीस्ट इतना सिखाते हैं कि भाई आप रिपेयरिंग कर लो, आपके टेबल से काम वापस नहीं जाना चाहिए, बिकॉज okay. आपके पास में सीपीयू होने के लिए महीने में 2 फोन आएंगे, रिपेयर होने के लिए 50 फोन आएंगे, 100 फोन आएंगे, तो आपका रिपेयरिंग होना चाहिए। और रिपेयरिंग के साथ साथ हम उनको सीपीयू भी गाइड करते हैं, जो कर पाता उसको सीपीयू डन कराते हैं, नहीं कर पाता हम उसको बोलते हैं कि नहीं सीपीयू का प्रैक्टिस करो बट सीपीयू के लिए फोकस मत करो भी, क्योंकि सीपीयू करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। तो गाइड हम कर देते हैं कैसे होता है कैसे नहीं होता, बाकी चीज़ें उसको खुद ही करना होता है। और जो हमारा ट्रेनिंग पैटर्न है वो एंड्रॉयड प्लस आईफोन दोनों ही हम कराते हैं। 40,000 फीस है, 40,000 रुपये उसका फीस है पूरे कोर्स का, उसके अंदर आपका सीपीयू इंक्लूड है, बट जो कर पाता है उसी को डन कराते हैं, जो नहीं कर पाता, मैं ये नहीं करा के कोई भी नहीं कर सकता, सब कर सकते हैं कोई भी चीज़ को। अगर मैं सारी चीज़ें छोड़ दूँ एक फ्रेशर को सिर्फ और सिर्फ सीपीयू पर लगा दूँ 25 दिन के लिए 20 दिन के लिए, तो वो 100% सीपीयू कर पाएगा, ठीक है 100% से मेरा कर पाएगा। तो हमारे जो पैटर्न के अकॉर्डिंग हम A9 और एक्स 3 CPU उसके अंदर 4 CPU उसके अंदर कवर करते हैं पूरा का पूरा, ठीक है। और बाकी जो हमारा रिपेयरिंग है, डायग्नोज मेथड, मीटर कैसे चलाते हैं, कंपोनेंट का टेस्टिंग, बेसिक वगैरह सब कुछ उसके अंदर इंक्लूड है। तो ये कितने टाइमिंग में हो जाता है ये समीर भाई? देखिए ये हमारा जो ड्यूरेशन है कोर्स का वो 26 दिन में आप मैक्सिमम हम यहाँ पर आपको बता देते हैं, लेकिन उसके बाद भी 26 दिन के जाने के बाद भी आपको मोर प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। और आपने गैप किया एक महीने का, तो 26 दिन की मेहनत थी आपकी वेस्ट हो गई, खत्म हो गई, आप नहीं कर पाएंगे फिर उसके अलावा, फिर आपको दोबारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा जीरो से, ठीक है। तो इसके अंदर मदरबोर्ड स्टूडेंट को लेकर आने पड़ेंगे, आप 40,000 की फीस में देते हैं? जी समीर भाई, देखिए मैं मदरबोर्ड नहीं देता हूँ, मदरबोर्ड ना देने का भी रीज़न है कि मैं मदरबोर्ड हो सकता है आपको अपने पास से कर दूंगा तो कंजूसी कर दूं कि 2 मदरबोर्ड की जगह 1 ही दूं और 1 ही मदरबोर्ड पर 4 बंदों का काम सिखा दूं। नहीं, मैं मदरबोर्ड आपके रखता हूं, आपके 4 मदरबोर्ड लगते हैं, 5 मदरबोर्ड लगते हैं, 10 मदरबोर्ड लगते हैं, आपका है, आप यूज़ करो, क्योंकि यूज़ हो गया वेस्ट हो जाता है, उसके बाद फ्रेश पीसी भी चाहिए होता है, फ्रेश पीसी पर दोबारा प्रैक्टिस करना होता है, क्योंकि 1-2 PC पर प्रैक्टिस नहीं होता है, 4-5-7 PC भी लगता है, लेकिन वो मैं जो जिस पैटर्न पर काम कराता हूँ उसमें बहुत ज़्यादा पीसी भी आपका यूज़ नहीं होता है। तो जैसे अभी ये तो थी कहानी हार्डवेयर की, आपने हार्डवेयर के बारे में समझाया जी, तो इसके अंदर जैसे NAND वगैरह प्रोग्रामिंग वाली बात होती है, सॉफ्टवेयर होते हैं वो भी चलाना सिखाते हैं आप या? जी समीर भाई, जो आपने जो हमारा प्रोग्रामिंग टूल्स होते हैं, जैसे EMMC प्रोग्रामिंग टूल होता है हमारा, और NAND प्रोग्रामिंग टूल होता है एंड्रॉयड के लिए प्लस आईफोन के लिए, दोनों प्रोग्रामिंग टूल होते हैं, वो प्रोग्रामिंग हम उनको बताते हैं पूरा कंप्लीट, जितने भी टूल रिलेटेड आईफोन और एंड्रॉयड आते हैं वो कैसे उनको यूज़ करेंगे या कौन सा अच्छा है, वो प्रॉपर गाइड हम देते हैं। और वही टूल जो हमारा टेस्टेड है वही टूल हम आगे बताते हैं कि ये टूल आप परचेस करो, उसमें भी हम स्टूडेंट की हेल्प करते हैं कि आपको कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, कौन सा टूल लेना है, क्योंकि मार्केट में अननेसेसरी टूल लेने का ज़रूरत नहीं है आपको, बहुत टूल एक ही चीज़ एक ही काम के लिए हज़ारों टूल हैं और उसका पैसा भी बहुत ज़्यादा है, तो आपको वो टूल हम आपको बोलते हैं कि आप जो भी टूल आपका मस्ट है, हमारा टेस्टेड है, चीप एंड बेस्ट, वो आपको बोलते हैं कि आप ये लो और इस पर आप आगे काम करो जो हमारा टेस्टेड होता है, अदरवाइज मार्केट में हर चीज़ के लिए टूल्स का भरमार है। तो आप सिर्फ इंस्टीट्यूट ही चलाते हैं या रिपेयरिंग शॉप भी है आपके यहाँ पर? जी समीर भाई देखिए मैं तो इंस्टीट्यूट भी चलाता हूँ और मेरा रिपेयरिंग सेंटर भी यहाँ पर, मैं रिपेयरिंग भी करता हूँ, तो जब तक अगर मैं रिपेयरिंग नहीं करूँगा तो मेरा इंस्टीट्यूट तो मैं एक ही पैटर्न पर चलाता रहूँगा ना, मुझे फिर नई नई चीज़ें नहीं पता चलेंगी, तो आगे क्या फॉल्ट आ रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, क्या हो रहा है, उसके लिए मुझे सर्विस सेंटर अपना चलाना पड़ेगा और चलाता हूँ मैं रिपेयर भी करता हूँ, ताकि मेरे को भी नई नई चीज़ें सीखने को मिले, क्योंकि मुझे सीखने के लिए मिलेंगी मदरबोर्ड से, जो कि मेरे पास मदरबोर्ड रिपेयर के लिए आएंगे उनसे मुझे सीखने को मिलेगा कि क्या फॉल्ट नया आ रहा है और कैसे रिपेयर हो रहा है, कैसे बन पा रहा है। बिल्कुल, तो गाइस मैं आपको बताऊं मोटा मोटी इस चीज़ का रिजल्ट ये निकल के आता है, अगर आप फ्रेशर हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं 26 दिन यहाँ लगाने के बाद और सोच रहे हो कि मैं 1,00,000 रुपये कमाने लग जाऊँगा, तो देखो ये तो नॉट पॉसिबल है। ऐसा होता है कि आप रिपेयरिंग सीख सकते हैं, यहाँ पे जो
अपना वो लेकर आते हैं कि मैं वहाँ जाके स्वैपिंग वगैरह या स्वीपिंग वगैरह डन कर लूँ। देखो ये पॉसिबल नहीं होता, उसके लिए हैंड स्किल ज़रूरी होती है और एक एक्सपीरियंस चाहिए होता है। जो एक डेढ़ साल से काम कर रहे होते हैं वो लगभग कर लेते हैं इस बीच में, ऐसे नहीं कि नहीं करते, वो कर भी लेते हैं। और इसके अलावा जो आप सोचते हैं कि यार अब यहाँ से जाने के बाद हम आप टाइम लगा देते हैं कि यार मेरे को सामान इकट्ठा करना है, और इकट्ठे करने के टाइम में निकल जाता है आपका एक से डेढ़ महीना, उस बीच में जब आप शॉप पे बैठते हैं तो मैं आपको बता दूं आपको लगता है कि आपने कुछ नहीं सीखा, क्योंकि हमारा जो वो गैप होता है हमारे दिमाग से वो निकल जाता है। आप यहाँ आएँ या किसी भी इंस्टीट्यूट जाएँ, आप जाने से पहले पहले तो अपनी टेबल को तैयार कर लें, जो जो आपके चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो आप रखें, जैसे SMD हो गया, माइक्रोस्कोप हो गया, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो आपके पास होनी ही चाहिए। इसके अलावा भी जैसे अभी नसीम सर ने बताया कि यहाँ पर सर्विस सेंटर के साथ साथ रिपेयरिंग शॉप के बारे में जैसे मैंने इनसे पूछा, तो यहाँ पर आपको बेनिफिट क्या मिलता है, एक तो ये मेन मार्केट में शॉप है दिल्ली के अंदर नेहरू प्लेस के अंदर, वो इंस्टीट्यूट है नेहरू प्लेस के अंदर, और यहाँ पर बेनिफिट आपको ये मिलने वाला है कि रिपेयरिंग के जो भी मार्केट में हैंडसेट वगैरह आते हैं या जो भी नए नए फॉल्ट होते हैं वो आपको डायरेक्ट देखने के लिए मिलते हैं कि किस टाइप से प्रॉब्लम सॉल्व हुई। और जब आपका हैंड स्किल अच्छा होता है तो नसीम सर आपको खुद डायरेक्ट देते हैं कि ये फ़ोन इस तरह से रिपेयर मैंने किया था, आप भी इसको रिपेयर कर दो। तो यहाँ पर आने के बाद आपको ये सब बेनिफिट तो आपको मिलने वाले हैं, बाकी रहने में और यहाँ पर खाने वगैरह की कोई दिक्कत नहीं होती दिल्ली के अंदर, यहाँ पर सब कुछ नॉर्मली मिल जाता है और जगहों के हिसाब से बहुत सस्ता यहाँ पर मिलता है। और अब आ जाती है बात सपोर्ट की, बात कि यहाँ पर अगर आप 26 दिन लगा के जाते भी हैं उसके बाद आप 2-3 महीने अपनी शॉप पे या 5 महीने काम कर लेते हैं, और मैं जानता हूँ कुछ टाइम बाद कोई नए फॉल्ट आ जाते हैं तो उस टाइम पर आपको सपोर्ट की एक ज़रूरत होती है, तो सर वो सपोर्ट भी मिलती है क्या स्टूडेंट को? जी समीर भाई, देखिए बिल्कुल ज़रूरी, जाहिर सी बात है कोई भी इंसान कोई भी ट्रेनिंग कहीं से लेता है कहीं से भी जी, तो उसको सीखने के बाद 26 दिन या एक महीना या डेढ़ महीना वो मैटर नहीं करता, 6 महीने भी अगर वो कहीं सीखा तो उसके बाद भी उसको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ओके तो मैं मेरे यहाँ पर भी जाहिर सी बात है स्टूडेंट आएगा तो उसको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि स्टूडेंट जब आते हैं और आने के बाद में उनके टेबल पर नई नई चीज़ें आती हैं तो उनको ज़रूरत पड़ती है कि भाई कहाँ मैं फंस गया हूँ यहाँ पर, मेरे को समझाओ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मेरे को IC तो निकालना आ गया, मेरे को ये सब कुछ आ गया, मेरे को ये लाइन का पता था बट अब ये नई लाइन में प्रॉब्लम आया, अब ये प्रॉब्लम आया तो कैसे डायग्नोस करेंगे, कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए मेरा सपोर्ट सिस्टम है, मेरा ग्रुप है, मेरा ग्रुप बना हुआ है जिसके अंदर मेरे सारे स्टूडेंट्स हैं, सीनियर स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले अच्छा काम किया हुआ है और जो पहले से काम कर रहे हैं उसके अंदर, तो वो उसको सपोर्ट करते हैं, एटलीस्ट मैं ही करता हूँ। और जो मेरी सपोर्ट है वो फ्री है, उसका कोई पैसा नहीं होता, क्योंकि मैं ट्रेनिंग का पैसा लेता हूँ, सपोर्ट का पैसा नहीं लेता। ओके तो सपोर्ट मेरी फ्री रहती है, मेरे ग्रुप में मिलता है, और किसी को पर्सनल कोई दिक्कत है तो मेरे को मैसेज कर सकता है, पर्सनल कॉल कर सकता है, बट जब मैं फ्री हूँगा तभी मैं कॉल रिसीव कर सकता हूँ, सपोर्ट दे सकता हूँ। क्योंकि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, सपोज करो समीर भाई, तो 2 घंटे की अगर क्लास चली तो 2 घंटे में किसी को रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा ना, मैं उधर नए स्टूडेंट्स में बिजी हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि सपोर्ट हम दे रहे हैं तो हर वक्त हम अवेलेबल हैं, जैसे ही फ्री हुए हम फौरन सपोर्ट देते हैं। दूसरी चीज़, अगर किसी को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो किसी दूसरे इंस्टीट्यूट जाने की जितनी ज़रूरत नहीं है, कोई ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो हमारे यहाँ होता है दूसरी जगह पर भी वही होगा, एक दो चीज़ हो सकता है डिफर हो सकती है, मैं ये नहीं कहूँगा कि डिफरेंट नहीं होता, डिफरेंट हो सकती है, बट समझाने का तरीका मैक्सिमम सिमिलर ही होता है। तो आप दोबारा आइए, दोबारा मेरे पास 2 दिन 5 दिन 8 दिन जो भी दिक्कतें आ रही है मैं आपको शॉर्ट आउट कर दूंगा, आपका प्रॉब्लम जो भी आ रहा होगा वो क्लियर हो जाएगा, तो उसके लिए आप कभी भी आइए मेरे पास। तो गाइस वैसे ही वीडियो बहुत लंबी होगी, अगर ऐसे ही मैं आपको डिटेलिंग में बताता रहूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। स्क्रीन के ऊपर जो आप नंबर देख रहे हैं वो नसीम सर का नंबर है, आपकी जो भी अगर हम मेरे से कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप डायरेक्ट सर से आप व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, या कॉलिंग करना चाहते हैं तो आप कॉलिंग पे भी बात कर सकते हैं। को अगर आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के लिए सोच रहे हैं तो आप एक बार देखिए कि सिलेबस कहाँ पे क्या होता है, किस टाइप से होता है, और सिखाने का तरीका क्या होता है, बैकअप सपोर्ट क्या होती है, ये सारी चीज़ें जो होती है नॉर्मली मैंने आपको इस वीडियो के अंदर कवर करी है। और समीर भाई देखिए, मैं तो पहले ही मेरा तो पहली वीडियो से रहता है, मैंने शुरू किया था, सबसे पहले मैंने ही शुरू किया है, 100% मनी बैक गारंटी है, कोई पैसा किसी का मैं वेस्ट नहीं करता, मुझे फ्री का पैसा नहीं चाहिए, मैं अगर कुछ सिखा पाऊंगा तभी मुझे पैसा चाहिए। आप मेरे पास जब ज्वाइन करते हो तो मैं आपसे पैसा लेता ही नहीं हूँ, मैं तो 3-4 दिन बाद आपसे अमाउंट मांगता हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो कंटिन्यू करो, नहीं करो तो आप अपना बुकिंग अमाउंट लेकर रिटर्न जा सकते हो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मेरे को पैसा नहीं चाहिए वेस्ट किसी का भी। तो गाइस आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो जल्द से लाने के लिए, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।